उत्तर प्रदेश में 2014 से 2022 तक चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने जो करिश्मा दिखाया है उसके शिल्पकार के तौर पर पार्टी का एक धड़ा सुनील बंसल की ओर इशारा करता है, तो वहीं दूसरा धड़ा इस बात को खारिज करता है। सियासी हुनर और दबदबे का क्रेडिट लेने की इस खामोश जंग को अलग अलग गुटों से जो खाद पानी मिल रहा था उस टकराव के बीच पर पार्टी हाईकमान ने फिलहाल होशियारी से पर्दा डाल दिया है। बात 2014 की है, तब सुनील बंसल को सियासी प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पार्टी को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला। विद्यार्थी परिषद में यूपी से दिल्ली तक लंबे समय तक काम करने वाले बंसल की सांगठनिक क्षमताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में मोदी लहर और संगठन की मेहनत रंग लाई। पार्टी ने वो कर दिखाया जो राम मंदिर की लहर में भी मुमकिन नहीं हो सका था। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और यूपी में 73 सीटों के साथ बीजेपी ने न सिर्फ केंद्र में सरकार बनाई बल्कि देश दुनिया के सियासी केंद्र में आ गई। 2014 से शुरू हुआ पार्टी की चुनावी जीत का सिलसिला 2017, 2019, 2022 तक बदस्तूर जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है तो यूपी में ये भूमिका सुनील बंसल की मानी जाती है। लेकिन ये बात 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल की है। उस वक्त अंदर खाने ऐसी तमाम खबरें पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बनी, जिसमें सीएम योगी और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के बीच वर्चस्व को लेकर टकराव होता रहा। सूत्र बताते हैं कि बंसल का अपना एक अलग मिजाज है, काम करने का अलग अंदाज है और नेताओं के साथ सियासी रणनीतियों को लेकर एक अपना अलग तेवर है। पार्टी के अंदर के लोगों का दावा है कि 2017 से लेकर 2022 में योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने तक सुनील बंसल बहुत खुलकर फैसले लिए करते थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को जब ये लगने लगा कि पार्टी ही नहीं बल्कि कुछ हद तक सरकार भी लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में स्थित पहली मंजिल यानी सुनील बंसल के आवास से चलाने की कोशिश हो रही है। साल 2014 से 2019 तक 3 चुनावों तक हर मुलाकात का वक्त और शर्तों के हालात बंसल तय करते थे, लेकिन 2022 के चुनावी नतीजे के बाद सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि राज्य के नए पुराने बड़े छोटे संघ संगठन समेत हर स्तर पर नेताओं में उथल पुथल मच गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी में अचानक इतने मजबूत हो गए कि सुनील बंसल जैसे संगठन के माहिर खिलाड़ी को यूपी के सियासी खेल से सेफ एग्जिट के तहत बाहर जाना पड़ा। तो वही अब यूपी में बीजेपी हाईकमान ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। एक तीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी पर चलाया है तो दूसरा उनसे मतभेद रखने वालों पर, जिनमें राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को योगी का करीबी माना जाता है। उन्हें कुछ दिनों पहले ही विधान परिषद का नेता बनाया गया था, लेकिन उन्हें पद से हटाकर वहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच सियासी रस्साकशी से सभी वाकिफ है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल को यूपी से हटाकर राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया, साथ ही उन्हें तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बना दिया गया। लेकिन असली खबर ये है कि बंसल की यूपी से विदाई हो गई। इसे लेकर न केवल मुख्यमंत्री योगी का खेमा खुश है बल्कि पार्टी के कई नेता इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें सत्ता के 2-2 केंद्रों पर हाजिरी नहीं लगानी होगी। यानी बंसल की विदाई का संदेश साफ है कि यूपी में अब होगा वही जो चाहेंगे बाबा। यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने पहले भी कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन पार्टी की ओर से सुनील बंसल के तौर पर एक ऐसे शख्स से तमाम मोड़ पर अंदरूनी टकराव होते रहे, जिसकी खबर यूपी से दिल्ली तक अक्सर पहुंचती थी, क्योंकि बंसल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी बताया जाता है। लेकिन अब दौर सीएम योगी का है और इस बात को हाईकमान अच्छी तरह से भांप चुका है। वहीं सुनील बंसल को यूपी से हटाकर किसी भी तरह के टकराव को फिलहाल 2024 तक टाल दिया है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले
आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।